बिना बेकार बिना सन ऑफ सरदार। ओए पाजी, ये आग है, इसे सीने में लगाते हैं, होठों पे नहीं। और तू सरदारों की सिगरेट पीता, शर्म नहीं आती? ओए भूल गया महापुरुष जसविंदर सिंह रंधावा ने क्या कहा है, सूटेबाजी ना करें तो ना कभी बीमार हो, एक तो पैसा बचे दूसरा बदन तैयार हो। What is he saying? Well, he's saying some great legend Jaswinder Singh says. ओए कौन है महापुरुष जसविंदर सिंह रंधावा? ओ पाजी, महापुरुष जी आपके सामने खड़े हैं। ओए पाजी, बूथी चंगी ना होते बात चंगी करनी चाहिए। ओए कारजा, तेरी मम्मी इंतजार कर रही होगी। Hey, lay off. ओए पाजी, ऊपर वाले ने मुंह दिया तो हाथ से क्यों बात करते हो? तू गया नहीं अभी तक? Hey, don't you understand English? Just move your butt from here. पाजी पाजी, गुस्सा क्यों करते हो? कभी हंस भी लिया करो। Smile sometime and everything is fine. जी सरदार पर जोक ना करना और जोकर मत समझना, क्योंकि सरदार के दस्तार पर हाथ उठाएगा ना तो सरदार उठा देगा। जी इसको तो आपने गोद ले लिया, आपको कौन लेगा? कदी हंस भी लिया करो। पठान इज सेइंग कि देयर एंड देन कुछ भी ले लेना, लेकिन पठान के यार से पंगा ना ले, वरना पठान तेरी। थैंक्स ब्रो। और कोई बचा ब्रो? ओहो मैं बचाऊं?
और तुम लोगों से कुछ छूटेगा तब तो बचेगा ना हमारे लिए। ओ माँ की हाँ, मतलब खराब कर रखा है यार मेरा क्लब। ओ जसी जी महाराज, 6 महीने हुए आपको यहाँ आए हुए, 14 पंगे और 4 पुलिस केस करवा रखे हैं आपने। देखो हम चाचा हाथ जोड़, चाचा भतीजे हाथ जोड़ते हैं आपसे, इंग्लिश में रिक्वेस्ट करते हैं कि देख भाई इंग्लिश में, सी दिस लंडन इज नॉट मेड फॉर यू, सो प्लीज टिकट कटा ले इंडिया का, नहीं तो हम चाचा भतीजा हाजी अली का टिकट कटा लेंगे यार। चाचा आपकी जान की कसम, बात करो तो बात करो ईमान की। जैसे के लिए पठान जान लुटाएगा, इसको यहाँ से भेजने वाला जहाँ से जाएगा। ओ तू शर्ट पर आकर, सॉरी बड़ों के बीच में नहीं बोलते। अहले जस्सी पुत्र, तेरा कुरियर आया, तुझे हिंदुस्तान बुलाया है। ओए मैंने नहीं जाना वापस, सब मुझे हिंदुस्तान लीवर बोलेंगे। क्यों? वो जो हिंदुस्तान लीव करके आता है ना, उसको मोहल्ले वाले हिंदुस्तान लीवर बोलते हैं। तो मतलब मुझे भी हिंदुस्तान लीवर बोलेंगे? नहीं, जॉनी लीवर। ओ तू सेट पर आकर यार। ओ ये तो गवर्नमेंट नोटिस है, मेरी कोई जमीन है फगवाड़े में, गवर्नमेंट खरीदना चाहती है 50 लाख में। गुड न्यूज ब्रो। अरे लेकिन मेरी कौन सी जमीन है फगवाड़े में? ओ तेरी खानदानी जमीन है पुत्र। हैं? मम्मी जी ने कभी बताया नहीं? तेरी मम्मी ने बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं तुझे। बात बड़ी पुरानी है पुत्र, तेरे खानदान और संधू खानदान में एक छोटी सी बात को लेकर दुश्मनी हो। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे दोनों, पीढ़ियां खत्म हो गई पर दुश्मनी कभी खत्म नहीं। और इस दुश्मनी से तेरे बाबूजी हरजीत सिंह रंधावा भी नहीं बच पाए। उन्होंने महेंद्र सिंह संधु को मार दिया और संधु ने तेरे बाबूजी को। जस्सी मेरा पुत्र, मेरी मौत का पता नहीं जस्सी। जस्सी नो एस्केलेशन ना पाओ तो नो रब दबा दिया। मेरी मौत का पता, जस्सी मेरी मेरी मौत का। मार दी सारी गोलियां उसकी छाती में। बाजी रंधावे के घर में कोई नहीं है, उसकी लाश पड़ी है, उसकी बीवी बच्चे को लेके भाग गई। बिल्लू पुत्र अब क्या करें, मेहमान आए हुए हैं, पहले संस्कार करें या शादी? ओए कोई शादी वादी नहीं होगी। ओए टिटो टोली, कसम खाओ अपने बाप की कि जब तक तुम दोनों अपने बाप की मौत का बदला नहीं लोगे, तू आइसक्रीम नहीं खाएगा और तू कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा। और जब तक मैं अपने चाचा जी के मौत का बदला नहीं लेता, मैं शादी नहीं करूंगा। हाय रब्बा। और इसीलिए तेरी माँ तुझे यहां वहां लेकर भागती रही ताकि संधू तुझे ढूंढ ना ले। और दुश्मनी की बात कभी इसे नहीं बताई, जानता है क्यों? वो चाहती थी कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए। और सुन पुत्र, तेरी माँ को ना मैंने बहन कहा हुआ है, मैं तुझे इंडिया उंडिया नहीं जाने दूंगा, वो मार देंगे तुझे, हम तीनों यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, कढ़ी चावल खा लेंगे, लेकिन नहीं जाने दूंगा मैं। चाचा इसके बाप ने इसके लिए 50 लाख रुपए छोड़े हैं, खुश नसीब होते हैं वो बेटे जिनके घर में ऐसा बाप पैदा होता है। ओए तू तू ना शर्ट पर आकर। मैं चलता हूँ तेरे साथ इंडिया, पठान और सरदार की जोड़ी, बाकी सब लिल लिल घोड़ी। ओए नहीं यार, तेरे वैसे ही बड़े एहसान है मुझ पे, और फिर 25 साल हो गए हैं, भूल भाल गए होंगे, इंसान ही तो हैं। मैंने जाना है प्रॉपर्टी बेच के आ जाना है, कौन सा वो संधू इंतजार कर रहा होगा है? वटी वटी कटी उत्ते शेर ने सवार, भाड़ली बंदूका यारा कृष्ण कमाल, ऊंचा साडी शान साडी पग साडा मान, कुंडिया बगैर साडा बिल्ला दा मकान। ओए पंडिता,
जिस पंडित ने मेरी बीवी की शादी कराने की कोशिश की है उसके क्रियाकर्म का मंत्र तूने पढ़ा है। बड़ा कीमती पंडित है तू। अगर तू मर गया ना तो इस गांव में किसी को मुक्ति नहीं मिलनी। माफ करना बिल्लू पाजी, मेरी गलती नहीं है, मुझे तो टेल सिंह लेके आया है। ओए थिया, ओए साड़िया, जब भी देखो तो मंडप लगा लेता है, तेरी बहन नू चका। बाय गॉड, चकले मेरी बहन को बिल्लू, यार बड़ा एहसान होगा। 25 साल से ठंडे तवे पे आधी कच्ची रोटी की तरह पड़ी है, तू आधे फेरे लेके बैठा है, ना शादी करता है ना करने देता है, ओ कैसा दोस्त है तू। ओए, तेनू पता नहीं है, बिल्लू पुत्र ने कसम खाई है, जब तक रंधावा खानदान के आखिरी बंदे को नहीं मार लेगा तब तक शादी नहीं करेगा। ओए, इन बच्चों को देख, ओ टिटो, इसने बचपन से आइसक्रीम को मुंह तक नहीं लगाया है। ओ टोनी, हाँ जी बाजी, या जा, बचपन से इसने कोल्ड ड्रिंक को छुआ नहीं, रम भी नीट पीता है, लीवर खराब हो गया इसका। और तू थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, मैरिड में हो के ही रहना है। और दफा हो जाओ तुम सारे बांदर गेंग के। पंडित मंत्र पाठ, आ जाओ जी तुसी। पम्मी जी, पम्मी जी, आप मेरे नाल शादी करने जा रहे थे? और की, मुझे पता, ऐसे तो आपने आना ही नहीं है मंडप में, इसलिए सारा ड्रामा किया है। वैसे तो याद भी नहीं आती ना पम्मी की, है? है, कुछ ते अखां दी पर्देदारी रख, चाहे प्यार तू उधारी रख, और फोन ते तू करदा नहीं है, मेरी जान, मिस्ट कालां ते मारी रख, है? हाय, बिल्लू जी देखो ना, आपके भाइयों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, अपने कब होंगे? बिल्लू जी, आपको मेरी कसम है, अब तो ये कसम उतार दो। ओ परमिंदर, पावर वाले चश्मे ते चढ़ाई हुई कसमे एक बार चढ़ जाती है ना तो उतारी नहीं जाती। उस रंधावा के पुत्र के टोटे टोटे कर देंगे। सिलेंसर पाओ पुत्र, सिलेंसर। टोटे टोटे कर देंगे, पर परेशानी ये है कि अब हम उसे पहचानेंगे कैसे? 25 सालों में तो काफी बड़ा हो गया होगा ना। एक तो उसका कोई बचपन का फोटो भी नहीं है ना हमारे पास, नहीं तो शक्ल मिला के ऐसे पहचान लेते हैं जी। ओए, बचपन की फोटो से कैसे पहचानेगा, वो तो छोटी होगी ना। लो उसमें कौन सी बड़ी बात है मामा जी, वो तो इनलार्ज करवा लेते ना हम। हेलो, आहो जी, आहो, ठीक है पाजी, वो दिल्ली वाले मित्तल साहब आ रहे हैं फैक्ट्री की बात करने। आंदे होए, दिखा दो उनको पंजाबियों की खातिरदारी। ठीक है पाजी, दिखा दो उनको हमारी मेहमान नवाजी। वेलकम जी, वेलकम। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अंकल जी, मेरे पापा बैग लगा थे, आप बैग लगाओगे? ओए चुप करो, चल जा, चल जा, बात कर, जा। बच्चा है जी, बच्चा है। आओ जी, आओ। ओए एक मिनट, क्या कर रहा है? ओए ओए, किसने किया ये? ओए सिलेंसर पाओ पुत्र, सिलेंसर। किसने किया ये? ओ ले पाजी, मैं नहीं किया। पाजी, ये राजप्रीत का लागत है, उससे लूज मोशन हुई गवा, इसलिए इत्थे उत्थे करती घूम रही है। राजप्रीत? हाँ जी, साड़ी मज है जी। 10 लीटर दूध देती है, बड़ी प्यारी चीज है, इसका नाम इसलिए इंसानों की तरह रखा है। ओ भैया सिंह। हाँ पाजी, क्या हूँ? और डंगरा वाले डॉक्टर के पास ले जाना राजप्रीत। जी पाजी, ठीक है। ओए हट, संभाल के जी, संभाल के। ये तो हमारे कार का संस्कार है जी। हाँ जी, हाँ जी जी, हम तो जानवरों को भी परिवार का हिस्सा समझते हैं। देखा जाए तो इनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं है सिवाय कपड़ों के। ओए, आप तो बंदों को भी बांध के रखते हैं जी। बेबे है हमारी, इन्हें भूलने की बीमारी कहीं भी निकल जाती है, इसीलिए जरा मिलो। कौन है पुत्र? बेबे, मेहमान है साडा। अच्छा अच्छा, अच्छी तरह खातिर करी, मेहमान भगवान हुंदा है।
खाना खा ले। हाँ चले। ऐसा है, पिछले 15 सालों से हम इस ब्रोकरी के धंधे में हैं। दिल्ली से फिरोजपुर और फिरोजपुर से फगवाड़ा। नहीं जी थैंक यू। सब बड़ा बड़ा मंत्री हमको हेलो करते हैं। इस एरिया का जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री देख रहे हैं ना, सबका ब्रोकरी हमने किया है। परमिशन दिलवा दो और कमीशन बोलो, तुम्हारी इस इलाके में चलती है। इसलिए हम 15% कमीशन का ऑफर देते हैं, समझे? नहीं तो किसी भी एरिया का गुंडा मवाली को हम 10% में निपटा देते हैं। है मक्खन दे जरा। ये इस घर की बहू है, ये स्वीटी टोनी दी वाइफ, और ये पोली टीटो दी वाइफ। हमें लगा इस घर की नौकरानी है। अच्छा माता जी नमस्ते। अच्छा पुत्र फिर आई। खोता सिंह कितने जा रहे हैं तू? भैंसों को कौन मिलाएगा? तेरा पियो? अरे मैं खोता सिंह नहीं हूँ, हाथ छोड़िए मेरा। ओए बेबे को दौरा पै गया है। जब भी कोई अजीब सी आवाज सुन लेती ना, जब वो मोंटू से कुछ चलाता है तो दौरा पै जाता है। पैसों को हम नहला लेंगे, चलो चलो चलो। बिना नहलाए कैसे जाएगा तू? मैं खोता सिंह नहीं हूँ। अरे वो क्या है जी कि खोता सिंह हमारा चौकीदार था। बेबे आपको वही समझ रही है, खोता सिंह। ओ इससे पहले आपसे सफाई कराए ना आप, चल पड़ो यहाँ से। बस यार की कर रहे मेंटल? कैसा मेंटल? अस्पताल में भर्ती कराओ। दी हुई जबान और घर पे आए हुए मेहमान की हम बड़ी इज्जत करते हैं। अरे गलती है बेटा, ये कार हमारी माँ है, इसके अंदर हम खून खराबा नहीं करते। वरना हमने इसे तभी मार देना था जब इसने संधु खानदान की शराफत का मजाक उड़ाया। ओ टिटो जी, पाजी ले जा रहे से खामखा रौला पा रहे है साला। सतनाम वाहे गुरु। 49 हो गए बिल्लू पुत्तर। बहुत जल्द हाफ सेंचुरी पूरी हो जाएगी मामे। एक बार वो रंधावा का पुत्तर सामने आ जाए ना बस। ओए चल भाई तशरीफ चख ले, 16 नंबर मेरा है। टिकट कहाँ है दिखाइए। ओए तू रेलवे में टीसी लगा है? टिकट कहाँ है? बड़ा चौधरी बना फिरदा है, चलो और बैठ जा। अच्छा ये क्या कर रहे हो सरदार जी, प्यार से बात नहीं कर सकते? ओए गोद में बैठ गया सरदार, और कितना प्यार दिखाएगा, चल दफा कर खुद को। लगता है माँ ने कोयले खा के पैदा किया था। ओ ये पटोला कौन है? वो जरा पलटो जी, पलटो पलटो, थोड़ा जा और, थोड़ा थोड़ा। यार हटो ये। हाँ जी थोड़ा जा, ओए उधर नहीं, थोड़ा जा पलटो। आजा जी, यही ट्रेन है आपकी। आजा, यही डब्बा जी आपका। आजा जी, सामने की सीट भी खाली है। आजा जाओ। ओए ट्रेन चल पड़ी। ओए रुक जाओ। ओए कुड़ी रह गई यार। रुक जाओ। आजा जी। मेरी गलती थी, मैं प्लेन में ना आई। रुक। हाथियों जी। हाथियों जी, हाथ छोड़ पहले।
बगियाना मैं आई तितली फुर फुर आई तितली फुर निकल गई, बड़ा हीरो बन रहा था। ओए मैं तो उसकी मदद कर रहा था। चल झूठा, हेल्प करनी थी तो चेन नहीं खींच सकता था। हद दो जी, हद दो। चांस मारने का मौका चाहिए तुम लोगों को बस। मैं क्या कीता? यही खड़ा रहेगा कि ये बंदर भी आएगा? चल ट्रेन लेट करा दी खामखा। सरदार जी आप नहीं बैठ रहे हो तो मैं बैठ जाऊंगा। बैठ के दिखा। आपका घर है? हाँ जी मेरा मेरा घर है, मेरा घर है। मम्मी जी है? हाँ जी है। सिस्टर जी तो होंगी? हाँ दो दो। तो मर जानिया, उन्हें जाके देखना मुझे क्यों घूरते जा रहा है। मैं आपको कहाँ घूर रहा हूँ, आप मुझे घूर रहे हो। खामोश। कब से देख रही हूँ, एक टक देखे जा रहा है। देखा ना अपने भाई साहब, बताओ इन्हें, बोलो। हाँ बहन जी, मैंने देखा है। देखा? और कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला सब देखता है। इस ऊपर वाले से तो नहीं, इसके ऊपर वाले से तो डर। चल मुंह उधर कर। मैं क्यों करूँ, आप करो। अरे इतना ठीक है जी। कभी हंस भी लिया करो। एक्सक्यूज मी सरदार जी, थैंक यू। थैंक यू? नहीं थैंक यू। सुनाई नहीं दे रहा, वहां के सुनू। ओके जी बैठ के सुनू। हाँ अब बोलो जी। थैंक यू। मेरा नाम सुखमीत है, प्यार से मेरे दोस्त मुझे सुख कहते हैं। और मेरा नाम जस्सी, प्यार से दोस्त मुझे गुत्था कमीना कुछ भी कहते हैं। चल झूठा। सच्ची? और मैं ना कोई चांस वांस नहीं मार रहा था आप पे, वो आपकी हेल्प करने में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि चेन ही खींचनी भूल गया। वैसे बंदा मैं बुरा नहीं हूँ, आप किसी से भी पूछ रहे हो, कोई मेरे बारे में बुरा नहीं बोलेगा क्योंकि कोई मुझे यहाँ जानते ही नहीं। ओ तो एनआरआई है तू, लंदन में क्या करता है? लंदन में मेरा अपना खुद का बिजनेस है, पंजाबियों वाला। कैसा बिजनेस? काम ढूंढने का। वैसे जा कहाँ रहा है तू? फगवाड़े के पास मेरी खानदानी जमीन है, उसे बेचने जा रहा हूँ। और आप? फगवाड़े के पास मेरा घर है, दिल्ली में पढ़ती हूँ, स्टडीज खत्म तो घर जा रही हूँ। इसी डिब्बे में रखना मेरा सामान है। यहाँ पे कोकोनट वाटर, हाउ कम? ओए इधर आओ। पंजाब में नारियल कहाँ से मिलने लगे? बाजी मुंबई से लेके आते हैं, भाभी जी को पिला दो। ओए भाभी होगी तेरी माँ, चपेट मारूंगी एक। ना नाराज क्यों दे हो? बाजी बहन जी के लिए ले लो। ओए ले लो जी। बाजी नहीं चाहिए मेरे को, दफा हो यहाँ से। बस 15 रुपए के, 15 रुपए के बाजी। इतने प्यार से नारियल दे रहा है। अरे बाजी अरे पाजी गलत बोलो पाजी। अरे पाजी गलत बोलो, छोड़ दे लग जाएगा तुझे। ओए रख रख ले यार। ओ पाजी सुनो तो सही। ओ पाजी, ओ यार मैं तो ये कह रहा था कि खिड़की से नारियल अंदर कैसे लोगे। ओए रख ले चेंज दे रहा था, चेंज तो मैं लेता ही। आ जाएगा जी, आ जाएगा। चल चुटका हैवी आ जाएगा नारियल अंदर। फोटो खींच ले तेरी।
था, मैंने कहा था ना आ जाएगा। क्या ये रियल है? नहीं जी, ये तो नारियल है। पर ये अंदर कैसे आया? यही तो बात है, अंदर आया कैसे? पियो जी पियो। ना जी साबुन से नहाते हो या क्रीम का कमाल है? क्या? नहीं, आप बड़े गोरे हो। मेरी माँ कहती थी मैं भी पहले बड़ा गोरा था, लेकिन फिर मेरे को नजर लग गई और मैं धीरे धीरे कम गोरा हो गया। चल झूठा। सच्ची? आप ना जी मुझे ऐसे घूरो नहीं, मैं और कम गोरा हो जाऊंगा। सरदार जी मैं तो चली, मेरा स्टेशन आ गया। अरे मैंने कौन सी यहाँ कोठी बनानी है? पहले तो मैं लेता हूँ जी, मैंने भी तो यही उतरना है जी। छेती कर, एक मिनट, चलो जी, चलो, चलो। जल्दी कर ना। थैंक यू। वेलकम जी। ओए मेरा बैग, मैं लाता हूँ। हाँ ठीक है, ले आ। अजी 20,000। अजी बाजी। क्या बात है पुत्र, ओए तेरे बिना तो पिंड में रौनक ही नहीं सी। कैसे हो पाजी? वाह बड़ी बॉडी शॉडी बना ली आपने तो। सुख इतने भी देख ले। कैसी है सुख? एकदम फिट। अब तुझे नहीं जान देना, जो पढ़ाई करनी है यही करनी पड़ेगी, फिर तेरी शादी करा देंगे बॉबी के साथ। सुख ये लो, थिंक ऑफ कमीना और कमीना हाजिर। कोई शक? कुत्ते अब तो टाइम पे आ जाएगा, डॉक्टर बन गया है तू। ओ यार वो रास्ते में मेरी गाड़ी अब। किसको ढूंढ रही वहां पे? चल बाय कर दे ट्रेन को, वो देख गार्ड ने भी हरी झंडी दिखा दी। और पुत्र मंदिर भी जाना, चलिए। पाजी मैं बॉबी की गाड़ी में आ जाऊं? ओए ध्यान नाल ड्राइव करी। ओके पाजी। ड्राइव तो मैं करांगी। ओए चल। आ गया डैडी का फोन, अब इन्होंने पूछना है। ओ पुत्र तू स्टेशन पहुंचा के नहीं? ओ सुख तेरे साथ है के नहीं? हाँ जी डैडी जी, सुख को स्टेशन लेने पहुंच गया था और सुख मेरे साथ है और हम लोग घर आ रहे हैं। ओए तुम दोनों कल्ले हो? हाँ जी पम्मी आंटी कल्ले हैं। तो बात कर लेना उससे। क्या है उससे? आज दिल्ली बात करने को जी करता है। तुझे अपनी बीवी बनाने को जी करता है? मैं तो कब से इस खोते को बोल रही हूँ मुझसे शादी कर ले, यही नहीं मानता। आप ही बताओ सासिकालदार जी। सत श्री अकाल। ऐसे सबसे पुराना गुरुद्वारा कहाँ है? यहाँ तो सारे गुरुद्वारे पुराने हैं, नया तो कोई बना नहीं काफी टाइम से। हाँ। हाँ। सबसे पुराना गुरुद्वारा कहाँ है? ये तो कोई सबसे पुराना बंदा ही बता सकता है। हाँ। 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 ओ महाराज जाना कहाँ है? पुराने गुरुद्वारे के पीछे आमो वाला बाग है कोई? आहो पाजी आप एक काम करो, सीधे जाओ, आगे एक लेफ्ट आएगा एक राइट आएगा, आपको लेफ्ट नहीं लेना है राइट लेना है, फिर सीधे जाओ कोई तीन मरले, फिर एक राइट आएगा एक लेफ्ट आएगा, आपको राइट नहीं लेना है लेफ्ट लेना है, फिर सीधे जाओगे तो राइट और लेफ्ट दोनों आएंगे, आपको दोनों नहीं लेने, फिर सीधे 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 सीधे।
आपने कभी गाइड बांधने की कोशिश की है? दिखते नहीं हो पर बंदे अच्छे हो आप। जी भाजी वैसे नाम क्या है जी आपका? जस्सी। आपका? टोनी। पहली बार आया हो लगता है पिंड में। ओए नहीं जी, मैं तो इसी पिंड की बर्थ हूँ। अच्छा, आया बड़े सालों बाद हूँ। अच्छा, ये पहले कभी देखा नहीं आपको मैंने। खानदान कौन सा है जी? खानदान आप जी रंधावा। अरजीत सिंह रंधावा। हाँ जी पाजी, मैं उनका एक लौता बेटा हूँ, अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। क्यों होया? गड्डी खराब हो गई है। ले, कोई गल नहीं, मैं देखता हूँ। ना आपको जीप ठीक करनी आती है? ओए पाजी, मैंने बंदे ठीक कर दिए, जीप क्या चीज है? अधूरा काम पूरा करने आया है, यानी अपने बाप की मौत का बदला लेने आया है। इससे पहले जी बदला ले, मैंने ले लेना है। ले, उल्टा तो है। मार। हाँ जी पाजी। मार स्टार्ट। ओए देखा, हो गई ना स्टार्ट। महाराज कदी हंस भी लिया करो। पाजी हंसने को कहा है, डराने को नहीं। हाँ जी। ओए पंजाबियों के दिल बड़े वड्डे होते हैं। शहर में किसी से रास्ता पूछो तो रास्ते लगा देते हैं। आप खुद छोड़ने आ गए हैं। पहुंच गए? आप ठहरो जरा, मैं आता हूं। ओके जी। सुखी, सुखी। क्या बात है टोनी पाजी? तेरे को बोलता है या बोलता? पाजी दो खड़ी है, कोई भी ले लो। सारे ये नहीं, वो जो चलती है। पाजी दोनों की दोनों चलती है, चलाकर देख लो। ओ लूदे पछिया, वो जो इसमें डालते हैं। पाजी ये तो इसमें नहीं डाल सकते। दूर फटे मुंह। टोनी पाजी गल तो सुनो। भाई ये बंदूक चलती है? बेटा जी ये बुलेट चलती है, ये बंदूक खड़ी रहती है। तेरा जरा बंदा बैठा सी कितने गया? इधर गया जी। तेरी तो मैं टिमी तू फेर आ गया? आज देखो पक्की है मेरी, आज मैं नहीं छटवाया सारी तू मेरे को कोई मार। वो यहाँ तो सीढ़ी हुआ करती थी। सिलेंसर पाओ पुत्र जी, सिलेंसर पाओ। तेरी तो ठहर जाओ टिटो।
बंदा मन्नत पूरी कर रहा है अपनी, दुश्मन थोड़ी है अपना। ओए आंखें नहीं है तेरी? पाजी मेरी तो है, लेकिन लगता है नारियल की नजर कमजोर थी। और नारियल को तो चश्मा भी नहीं लगा सकते। वाह, मखौल अच्छा कर लेता सरदार, गांव में नया आया है। मेरे पापा जी यहाँ जमीन छोड़ गए थे, उसी की डील करने आया हूँ। अच्छा, क्या नाम है जी पापा जी का? जी हाँ। तू यहाँ? तू जानती है इसको? जी पाजी, ट्रेन में साथ साथ ही आए थे हम। अरे अच्छा हुआ तू यहाँ मिल गई। अच्छा तो ये ट्रेन में ढूंढ रही थी। ये कैमरा ट्रेन में भूल गई थी। थैंक यू, पता है इसमें कितने इम्पोर्टेंट पिक्चर्स हैं। कहीं घर ही ना आ जाए। हाँ भाई, तो क्या है जी तेरे पापा जी का नाम? जी पाजी आपका बज रहा है। मेरा फोन है। हाँ टोनी बोल। हेलो हेलो पाजी, ओ पाजी वो मिल गया है। क्या क्या सिल गया? ओ सिल ही गया पाजी वो हरजीत। क्या क्या खावा? ओ खाना नहीं है पाजी, हरजीत रंधावा का बच्चा मिल गया। ओए खोते, किसका बच्चा मिल गया है? लता से। एक मिनट मामा जी। हाँ? आपने कोई बच्चा कहा है ढूंढने को? ओए नहीं पुत्र, मेरे तो बच्चा होते ही नहीं है, वो प्रॉब्लम सी ना। हाँ टोनी, फिर शराब पीकर गिर गया साला। ओए चलो कार चलते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। ओए तू भी चलो। ए नहीं पाजी थोड़ा काम है, कोई बिल्लू पाजी है उनसे मिलना है। ओए ठेके पे खड़ा होके शराब का एड्रेस पूछ रहा है। ओए बिल्लू पाजी यही है जिसका तूने सर फोड़ा। ओए माफ करना पाजी मुझे तो। ओए बुड्ढे के मुंह में टॉफी और मेहमान के मुंह से माफी अच्छी नहीं लगती। तू सुख का दोस्त है मतलब हमारा मेहमान है, तेरा काम भी हो जाएगा और हम तुझे अपनी मेहमान नवाजी भी दिखा देंगे। चलो चल चल चलो, चलो। मुबारक, ये तो पीछे पीछे घर ही आ गया। ओ तेरी। तू तो बड़ा समझदार है। एक तू सरदार, एक मैं सरदार, बाकी सब बेकार। ओए छोटे सरदार, इस बड़े सरदार को कुछ खिलाए पिलाएगा के नहीं? हाय टिट्टो, पाजी जिस बंदे के बाप ने हमारे बाप को मारा आज वो हमारे सामने खड़ा है। और आप कह रहे हो नहीं? पाजी 25 साल इंतजार किया हमने इस मौके का। 25 मिनट होल्ड नहीं कर सकता। ओए तेरे से ज्यादा खून मेरा खोल रहा है। वो तेरा बाप जरूर था लेकिन तेरा चाचा भी था, लेकिन इस वक्त वो इस कार में मेहमान है। और इस कार का असूल है कि मेहमान को भगवान मानते हैं। वो तब तक जिंदा है जब तक इस घर के तहलीज में, बाहर निकलेगा तो बढ़ जाएंगे। बिल्लू पुत्र आज बहुत अच्छा दिन है, सुख भी इतने दिन बाद घर वापस आई है और दोस्त है वो उसका साथ में। चुप हो मामे, सुख के बाप की मौत का बदला इससे बेटर गिफ्ट क्या है उसके लिए? लेकिन एक बात सुन लो, जब तक हम उसे नहीं मारते कोई सुख को बोलेगा नहीं। ओए टिटो, आप आजी बोल दे अपने बंदों को, मुर्गा तैयार है तवा गरम करे। ओ पाजी आज तो मंगलवार है ना, आज तो हम नॉनवेज खाते ही नहीं।
नहीं खाते ना, है जी? ओ तेरी बच्चा, ओ बच्चा, सुखा, जिंदा दिखाले, तैयार हो तब लोग। बातें कम करो, खाना ज्यादा खाओ। और तुम दोनों बातें ज्यादा करो। ओए पाजी, आप कहाँ चले गए थे? ओए टोनी, तू तू यहाँ क्या कर रहा है? ओए तू जानता है टोनी पाजी को? सबसे पहला बंदा यही तो मिला था यार। चलो, कोई तो मिला जिसने इसे बंदा कहा है। ओए महाराज बैठो। क्यों होया? कभी हंस भी लिया करो। पापा पैग लगाएगा फिर हंसेगा। और चुप करो। ओ जी बकवास, खाता कौन है इसको? चल दफाओ। पाजी आप रोटी नहीं खा रहे, आपको भूख नहीं लगती? हर खोते जैसे दिखने वाली चीज खोती नहीं होती, और हर भूख का इलाज रोटी नहीं होती। तू खा ले। वाह पाजी। पाजी आप पहले हाईवे पे ट्रक चलाते थे? नहीं तो? तो ट्रक के पीछे लिखी हुई शायरी कैसे बोल लेते हो? हाँ तो तुम कुछ जमीन बेचने की बात कर रहे थे। पाजी पहले रोटी खा ले। गोल्डी क्या जल्दी है? सिलेंसर पाओ पुत्र, सिलेंसर पाओ। जल्दी है। वो क्या है, तहसीलदार का दफ्तर जल्दी बंद हो जाता है। हाँ। इसलिए टिटो को थोड़ी चिंता हो रही थी। चल झूठा। सॉरी पाजी। अब पाजी सुख का मतलब था कि तहसीलदार का दफ्तर तो 5 बजे बंद होता है, अभी तो 3 ही बजे। मेरा हो गया। एक मिनट जी, एक मिनट। जल्दी क्या है, आइसक्रीम तो खाने दो। ओहो, ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम। ले आओ पाजी। वाह 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 वाह। टीटू पाजी तुसी नहीं खा रहे? खा लो, खा लो। नहीं खा, नहीं खा रही। ओए आइसक्रीम तो गधे भी खाते हैं। ये खा लेगा, तू खा ले पहले। मेरा मतलब है आइसक्रीम पिघल जाएगी ना। हाँ भाई। अच्छा जी। हो गया जी, चले फिर। लस्सी रह गई। हाँ। आइसक्रीम के बाद कोई लस्सी पीता है? पागल हो गई तू? लस्सी रह गई, लस्सी रह गई। मेरा मतलब है आइसक्रीम खाने के बाद अगर बंदा लस्सी पीता है तो उसका पेट खराब हो जाता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मेहमान को तो हम भगवान मानते हैं। हाँ। कोई भगवान का पेट खराब कर सकता है? ना जी, नहीं नहीं नहीं। हाय हाय, पाजी को कितनी चिंता रहती है मेहमानों की, कहीं इसी चिंता में मार ना जाए। हैं? हाय फिटे मुंह तेरा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। पाजी आपका दिल बहुत बड़ा है, ते लस्सी का ग्लास उससे भी बड़ा है। पम्मी जी रहने देते हैं। चले। हाँ, चलो चलो चल। पाजी आपके यहाँ मेहमान हाथ धो सकता है? ओए कोई हाथ धुलाओ इसके। उधर आ जाओ जी। आ जाओ, मैं हाथ धुला देती हूँ। क्या हो गया, उनको बड़ा गुस्सा कराए। मजा आ गया जी, ऐसा वेलकम बड़ा काम में देखने को मिलता है। अजी संधू खानदान की हॉस्पिटैलिटी तो हर अस्पताल में मशहूर है। अच्छा जी। कौन सा खानदान? संधू खानदान। ये संधू खानदान का कार है? आहू जी बिल्कुल। वही जिसकी रंधावा खानदान से दुश्मनी है? आहो, वही दुश्मनी का तो स्यापा पा रही हूं मैं। अब तक तो मेरी शादी की सिल्वर जुबली हो जानी थी, बस एक बार वो रंधावा का मुंडा मिल जाए, बिल्लू जी उसे मार दे, उनकी कसम पूरी हो जाए, ते मेरी शादी हो जाए। पता नहीं कहाँ होगा मर जाना। ओए मेरे सामने आना, मैं खुद ही मार दूँ उसे। चलो आपका हो गया जी। तौलिया। ओए तौलिया। लो रंधावे के मुंडे के चक्कर में मैं तौलिया ही भूल गई। मैं हूं ही लाती हूँ। कहाँ फंस गया? कितने फंस गया?
पाजी मेरा मन कर रहा है मैं इस रंधावे के बच्चे के ना टूटे टूटे करके कोल्ड ड्रिंक पीऊं रम पा के उसमें। ओ तुझे नहीं पता घर के अंदर आइसक्रीम को देख के मेरे मुंह में नाइग्रा फॉल आ गया था। पर पाजी हम इसे घर के अंदर क्यों नहीं मार सकते? वो संस्कार कल्चर भी कोई चीज होती है। घर के अंदर ये हमारा मेहमान है और मेहमान भगवान होता है। घर के अंदर जब तक है तब तक जिंदा है। अच्छा जी। लेकिन जैसे ही इसने हमारे घर के दहलीज से कदम बाहर रखा हम इसके टोटे टोटे कर देंगे। ओके। और क्या बंदे नहीं देखे हमारे संता बंता खाले चिंदा पप्पू जरनैल करनैल सारे तलवारें लेके और भी हैं नहर के पीछे। मिनट से पहले बिखेर देना मिनट से पहले समझ गए। और कौन था वे? टिट्टो टोनी। जी पाजी। हाँ जी पाजी। ओए ओए कहाँ थे भाई? ओ पाजी ये लोग तो यही बैठे थे। अच्छा आपने इसको बाहर आते हुए नहीं देखा ना? पाजी हम तो इसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तो फिर ये बाहर से अंदर कैसे आया? अरे मैं तौलिया लेके इधर उधर ढूंढ रही हूँ तेरे को। हैं? मम्मी जी। हाँ? मैं आपका कार देख रहा था जी। अच्छा? आपका कार बहुत बड़ा है। अच्छा? और आपका दिल उससे भी तौलिया। हाँ? हाँ? चले देर हो रही है ना। ओ जा रहे हो? ओ ठीक है जी। हैं? अच्छा फिर आना है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ठीक है जी ओ तौलिया तो देते जाओ। तौलिया लेके चले जाओगे? सत श्री अकाल। ओए मेरा मेरा बैग इतने रह गया जी। ये रहा तेरा बैग ले फोड़ आइंदा मत भूलना। थैंक यू जी। आजा थैंक यू। आजा जस्सी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बाय सत श्री। बाय बाय जी। बाय बाय। चल चलो चलो। ओए सुख। ओए यहाँ मैं वहाँ का ढूंढ रहा है। ओए सुख। ओए मैंने तेरा कैमरा तेरे को दे दिया था। ये ले वो तो तूने मंदिर में ही दे दिया था। अच्छा और की मैं जाऊँ? हाँ बाय 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 बॉबी। बाय यार ऑल द बेस्ट। ओए बॉबी बुद्धि तू कितने चले देर हो रही है ना। स्वीटी जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। फिर आना जी। बोली जी तुसी बड़े स्वीट हो जी। तुसी बहुत हसाते हो ऐना भी ना हसाया करो कहीं हंस हंस के बंदे को शुगर ना हो जाए। भाई अच्छा तो लो फिर एक जोक सुनो मैं हंस रहा हूं। मेरा मतलब है देर हो रही है ना। आजा चल जाने वाला नहीं है बता रहा हूँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बाय बाय जी। बाय बाय। बाय बाय जी। बाय बाय जी। बाय बाय जी। बाय बाय जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आ जा। आ आ जी यहाँ से जाने का ना मान नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने इतनी खातिर की है ना मेरी इतनी खातिर की है कि इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाया है। वो मुर्गा तो कमाल का था जी। और जी वो जो अचार जो था ना जी वो अचार वो तो मैं लाई थी अमृतसर से। ओए अच्छा अमृतसर। अमृतसर से कहाँ से जी? वो जी अमृतसर में बस डेपो पता है ना वो जहाँ बहुत सारी बसें खड़ी रहती है बस उसी से लग के ना। हम और ले आएंगे। पाजी आपका दिल बहुत बड़ा है तो ये अचार का मर्तबान उससे भी बड़ा है। चले अच्छी चल। अच्छा जी। अच्छा जी। क्या हुआ बेबे? एक बार बेबे से मिल लूं।
बेबे बेबे मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दे। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। देर हो रही है ना, जा। कुत्ता सिंह कहाँ जा रहे? भैंसों को कौन निलाएगा? तेरा पियो। पैसे, पैसों को मैं निलाऊंगा, सारी पैसों को निला दूंगा, सारी पैसों को निला दूंगा। कहाँ है पैसे? अच्छा पैसे, प्यारी पैसे। पैसों को हम निला देंगे, नहीं मतलब मेहमानों से काम नहीं करवाते ना। आओ पाजी आओ। खबरदार खुदा से, जो भैंसों को निलाए बगैर गया तो मारती रहती। अरे पुत्र, तू गया नहीं अभी तक? लेकिन भैंसों को निला। ना ना पुत्र, तू तो मेहमान है और मेहमान भगवान होता है। भगवान से भैंसों को नहलाकर नरक में जाना है मुझे? ना ना पुत्र, तू जा, जा पुत्र, जा। चलो दीपा जी, आ जाओ। ले 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 ले, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। अचार ये ले। बाय बाय जी, बाय बाय जी, बाय बाय, 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 कितनी बाय करोगे? मेरा मतलब है कि बंदा जाए या बाए, अरे बंदे को अपना काम तो कर लेने दो। हाँ। जाओ जाओ, आप भी अपना काम करो, जाओ जाओ जाओ। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी, चलो। चले, बाहर बहुत काम करने हैं। चल। मैं कहता हूँ सब मिलकर ना भूख मारते हैं, इसने आप ही बाहर चले जाना। चुप हो। ओए पंजाब में फसल कब कटती है? जी बैसाखी पे। अच्छा, पंजाब दी फसल और उस रंधावा दी नस्ल मैं कल कटूंगा। ट्राई कर। हाँ, वन मोर है। आजा 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 शाबाश। अरे बाबा, आजा 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 आजा। ओहो, तू
खड़े खड़े देख क्या रहा है बॉबी? कब से बेचारा हुआ करे जा रहा है? हाँ बता ना बॉबी, कितना खर्चा करके तेरे को डॉक्टर बनाया? तू बता, चल बता। एक सेकंड। ओ ये वाला है बॉबी। अच्छा एक काम कर, ये पैर उठा जी, ये पैर उठा, थोड़ा और थोड़ा। बस जी, इससे ऊपर नहीं जाता। और पहले कितना उठता था? पहले तो यहां तक उठ जाता था, लेकिन अब इससे ऊपर नहीं उठता। हाय हाय। ओए सरदार, एक पैग लगाएगा पूरा उठ जाएगा। ले आ। चल यहां से, बदमाश कहीं का। हाय हाय। हां, मेरे ताजी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बड़े जंपिंग जैक टाइप थे। एक बार छत से गिरे, फिर उठे नहीं। हाय वाहे गुरु, मार गए? ना ना, उनके पैरों ते लेसिस हो गया सी। पूरा शरीर तड़पने लगता है और राइट हैंड की छोटी उंगली कांपने लगती है। अच्छा, झूठा। पैरालिसिस और छोटी उंगली का क्या कनेक्शन है? देख, उंगली का कनेक्शन है ब्रेन में। जब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? कांप रही है। अच्छा, मैं इसकी दवाइयां लिख देता हूँ। हाँ। तब तक खातिरदारी करो इसकी। थैंक यू। और फिर भी ठीक ना हुआ तो कल इसका ऑपरेशन करा देंगे, हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। इतना हंसे क्यों जा रहा है? जस्सी ठीक होगा कि नहीं? बोल ना, पागलों की तरह हंसे जा रहा है। ड्रामे कर रहा है वो, उसका यहाँ से जाने का मन ही नहीं है। चल झुट्टा, उसकी उंगली क्यों कापी? इतना तड़पा क्यों वो? वैसे उससे ज्यादा तो तू तड़प रही है। वो कुछ नहीं हुआ उसे, वो तो मैंने ऐसे ही फेंका, उसने पकड़ लिया। वैसे उसे तुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? एवे प्यार व्यार, बकवास ना कर। अच्छा चल उसकी छोड़, तू अपना स्टेटस बता दे। कहीं तू भी तो कुत्ता कमीना। ओ सुख। ये जो है, तैयार रहो सारे, भागने ना पाए। से नहीं लगी तुझे, मरेगा नहीं तू। सच पाजी, मैं नहीं मरूंगा। कुड़ी दा पतला लक ते मुंडे दा गुड लक, दोनों लक की बात होती है। पाजी मैं ढक्कन नहीं, मेरा ढक्कन नहीं है, आचार भी मेरा नहीं था। लेकिन विचार तो तेरा था। पाजी मैं तो यह खानदानी प्रॉपर्टी बेचने आया था, दुश्मन और दुश्मनी से मेरा क्या लेना? मैंने कोई पाप नहीं किया पाजी। हो सकता है कोई पुराना पाप हो जिसका जिम्मेदार तेरा बाप हो। पाजी बाप के पापों की सजा बच्चों को क्यों मिलेगी है? जब बच्चों को बाप की कमाई हुई प्रॉपर्टी मिल सकती है तो उनके पापों की सजा क्यों नहीं मिल सकती? ओए ओए ओए, आज जितना दर्द सहना है सह ले, क्योंकि कल मैं तेरा सारा दर्द दूर कर दूंगा। जो काम आज अधूरा रह गया वो काम कल पूरा करूंगा मैं। ये बलविंदर सिंह सांधू का वादा है तेरे से, कदी हजबी लिया करो। पम्मी जी, बिल्लू जी, हाय हाय। माफ करना पम्मी जी, मैंने आपको देखा नहीं। हाय वही तो रोना है बिल्लू जी, आप ना मुझे कभी देखते ही नहीं।
छोड़िए पम्मी जी, कोई देख लेगा तो। हाय लोगों को छोड़ो बिल्लू जी, आप मुझे ही देख लो। पम्मी जी प्लीज, ये दिल है ना ट्रैक्टर के इंजन की तरह तड़कता है, छोड़िए पम्मी जी। हाय बिल्लू जी, वो दिल ही क्या जो तड़के ना, वो चुन्नी क्या जो सरके ना, वो सूरमा ही क्या जो रड़के ना, ते वो यार क्या जो यार के लिए तड़पे ना। बिल्लू जी आपको मेरा ख्याल नहीं आता। पम्मी जी प्लीज। पम्मी जी हाँ, तेरे लिए जान तारे तोड़ के ले आ दूं, ऐसा ख्याल मेरे दिल में आता है, लेकिन क्या करूं पम्मी जी, एक तो ये हाथ आसमान तक नहीं जाता और दूसरा ये हरामजादा ख्याल दिन में चलता है। हाय तो फिर दिन में ही मिल लिया करो ना मुझसे, जैसे हम 25 साल पहले मिला करते थे। याद है वो दिन जब मैं स्कूल से गुठली मार के हाँ। गोपी के गन्ने के खेतों में मिलने आती हाँ। थी आपसे, याद है? ओए 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 पम्मी हाँ। याद मत दिला, रोम रोम रोमांटिक हो जाना है। गोपी के खेत का गन्ना ते रोमांटिक पिक्चर का हीरो राजेश खन्ना बुलाए नहीं जाते। चल यार। चल यार। पाजी सराहने की तरह काट दिया। पाजी ये सीधा नहीं था, तो फिर बच्चा कहाँ है? पाजी कदे हंस भी लिया करो, मेरे को पता है आप लोग दाना डाल रहे थे, लेकिन मैं कबूतर नहीं शेर हूँ। शेर और शेर है तो बाहर जा ले। अच्छा तिले आया फिर शेर बाहर। आजा 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 शेर आ रहा है बाहर। शेर बार आया। आ गया। ओए पाजी शेर हूँ शेर, कोई कुत्ता नहीं जो बुलाने पर आ जाऊंगा। शेर अपने मूड से आता है और इस वक्त ना शेर का मूड नहीं है। शेर को आ रही है नींद और शेर चला सोने। गुड नाइट, दे स्लीप टाइट। पाजी एक बात समझ में नहीं आई, जे सरदार अपने थन कैसे हिलाता है? चुप होए। गुड मॉर्निंग पाजी, कभी हंस भी लिया करो ना। पाजी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सोते हुए मेरा कत्ल करना चाहते थे? ओ पाजी मैं तो सराहना दे रहा था आपको। अच्छा पर हम मेहमानों से लेते नहीं है कुछ, सराहना भी नहीं। देते जरूर हैं। मैं नहीं मानता। बुलाया तू ना मान मेनू की। पाजी ए जैकेट बड़ा चंगा है। जैकेट ले यार, तू भी क्या याद रखेगा। ले कनेडा का है। अच्छा ओ पाजी लुंगी तुझे तो करनाल की है यार। ले ले जा। ओ पाजी मोबाइल फोन जे मेरा है, 8 मेगापिक्सल टच स्क्रीन वाला है जी। ओ पाजी मैं टच करके देखा,
मेहमानों की इच्छा पूरी करते हैं हम, और वो जो कुछ घंटों का हो उसकी तो सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। ले जा ले जा, कोई बात नहीं। थैंक यू बाजी। नॉट थैंक यू मेंशन नॉट। इसको पता नहीं है मेहमानों को हम कुछ भी दे सकते हैं, पर दहलीज के अंदर बाहर निकलते ही सब ले लेना है, इसकी जान भी। काल संधु साहब। क्यों कुकी चौधरी, आज गड्डी इस तरफ कैसे मोड़ ली पाई? क्यों ऐसे पुलिस वाले नहीं, दो एंट्री है। हम तो कार आए डंगर की भी इज्जत करते हैं, आप तो सरकार हो, बोलो क्या सेवा करें? तुम्हारे खिलाफ थाने में एक रिपोर्ट आई है। अच्छा, हमें किसी ने फोन करके बताया है कि तुम लोगों ने इस घर में एक मेहमान को कैद कर रखा है, तुम सब मिलकर उस पर जुल्म ढाते हो और उसे घर से बाहर नहीं आने देते। अरे हम तो चाहते हैं कि वो बाहर निकले, लेकिन वो बहन का टका निकलता ही नहीं। क्यों टिटो? आप आए भाई। हाँ, ताकि आप उन्हें मार सको हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही फोन किया था, अब बोलो आ गया बाहर? ओए कानून के सामने बात करो हैं? क्यों टिटो, बोल टोनी। ओए पाजी, कदी हस वे लिया करो। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। ओए तीशे काले संता बंता लवली ते छिंदा, कसम है मुझे अपने फादर, अपने प्यो दी, मेरी माँ ने जो खिलाया उस देसी क्यों दी, हिम्मत है तो कभी नो मैन लैंड में आके बात करना। गल करते हैं बदला लेंगे। पुलसी, इससे पहले मेरा खून खोलने लगे और मैं आप पे से बाहर हो जाऊं, आप मुझे यहां से ले चलो, ले चलो। इसे फोन किसने दिया भाई? ओ भाई, वो तो मैंने गिफ्ट किया था, मेहमान है हमारा है जी। वाह तूने, वाह। इंस्पेक्टर साहब, मेरे फेस में नहीं जाना, मैं सच्ची में बड़ा शरीफ आदमी हूँ, कानून को अपने हाथ में नहीं लेता, वरना तो देख लेना था मैंने इनको अकेले ही। आपको तो पता है पंजाबियों की शान, बल्ले बल्ले, बाकी सारे कपूर थल्ले। साहब, आपकी गड्डी के पीछे फेविकॉल का एड लगा है? नहीं थे। तो ये पीछे पीछे क्यों आ रहे? ओ भाई, डेमोक्रेसी है, अब मैं किसी को पीछे आने से रोक तो नहीं सकता ना, चला के देख। फटी फटी गड्डी उत्ते शेर ने सवार, फाड़ ली बंदूक का यारा कशन कमाल, मुझा साड़ी शान साड़ी पाक साड़ा मान, कुंडिया बगैर साड़ा दिला का मकान। ले आ गया। थैंक यू भाजी, आपको तो देख के ही लग गया था कि आप बड़े काम के बंदे हो, क्योंकि एक आप सरदार, एक मैं सरदार, बाकी सारे बेकार। इसीलिए तो कहते हैं शेरों की कौम पंजाबी। आजा। पाजी, ये पुल स्टेशन ज्यादा पुराना नहीं लग रहा? ए पुल स्टेशन नहीं है, नो मैन्स लैंड है। साहब, आपका बंदा घर से बाहर आ गया, ते साढ़ा कम हो गया, और कोई सेवा पाजी? धन्यवाद चौधरी साहब, सत श्री अकाल। ओए ओए पुलसी, ओए कानून के दुश्मन, ओए। तूने सही कहा था, अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन शेर हर जगह शेर होता है। ओ पाजी, आप शेर नहीं, आप तो बब्बर शेर हो, वो से निकल गया था, दिल में बड़ी इज्जत है आपके लिए। टिटो, दिल निकाल इसका, देखता हूं इसकी दिल में कितनी इज्जत है। एक मिनट टिटू पाजी, बात समझा करो।
बिल्लू पाजी आप लोग 20 बंदे हो हथियारों के साथ और मैं अकेला नहीं हता, बात बराबरी वाली होनी चाहिए। एक मिनट यार बाजी, मैं एक सिख हूं और एक सिख 1,25,000 के बराबर होता है, आप लोग तो सिर्फ 20 बंदे हो, जाओ पहले 1,24,980 बंदे और लेकर आओ, फिर बात करना। मुकाबला बराबरी वालों से करता है ये सरदार, गाल करते हैं। सही बात है। हाँ पाजी, इतने बंदे तो हमारे पूरे गांव में भी नहीं है। अच्छा पाजी, मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा ना हमारा मैथ में भी बेवकूफ बना रहा है। और हम बन रहे हैं। आहो जी। ओए हाँ यार, ओए रुक जा, ठहर जा। ओए अगर तू सरदार है तो असी संधू है। संधू हाँ पाजी। तिशे काले सच्चा बच्चा ते बब्बू। एक मिनट पाजी, ये है तो 6,25,000 हो गए और मैं 1,25,000 बराबरी का हुई। पाजी मैं नहीं लड़ता। तेरी तो मैं पकड़ो। हाँ भाजी। ओए छोड़ो, मुझे नहीं उठे, जाओ।
ओ पाजी एक बात बताओ, घोड़ा सस्ता होता है कि जीप? घोड़ा यार। ओ ले पाजी, फिर तो घोड़ा खरीदना चाहिए था ना, एक तो पेट्रोल बचता, दूसरा घोड़ा कहीं भी फंस जाता है। ओ पाजी घोड़ा बच्चे देता तो घोड़ा निकलता है, जीप जीप तो बच्चे ही नहीं देती। बाबा जी, हाँ? मेरे पाजी ना अभी अभी उड़ के आए थे यहाँ, आपने देखा है उन्हें? ओए खोतिया, मैं ही हूँ। वो किथे गया सरदार? मॉर्निंग जी। वाह सरदार जी, बड़ा रोमांटिक है तू तो। वो ना जी, हालात ने बना दिया। अच्छा, वैसे ना आप ना के बिल्कुल नाए धोए से लगते हो। चल झूठा जी। ओ प्राइवेट टॉक जाऊं? हां हां। नहीं रुक, तू कहां जा रहा है? मैं चली जाती हूँ, भाभी बुला रही है। कमीने, तुझे अभी आना था। क्यों सरदार जी, दर्द कैसा है आपका? दर्द? हाँ अब ठीक है। अच्छा, वैसे ना आपकी टाइमिंग बहुत कमाल की है, भाभी मुझे भी बुला रही है। ओह फिर घर में घुस गया। पर एक आइडिया आ रहा है। बोल बोल। हम इस बंदे को अपने घर में नहीं मार सकते ना, क्यों ना हम अपना घर किसी और को बेच दे, फिर ना ये घर हमारा रहना है ना ये मेहमान हमारा रहना है, हम इसे इसी घर में कोस के मार सकते हैं कि नहीं? पाजी ठीक गल है बिल्लू पाजी। हाँ जी, आइडिया ठीक है। ऐते आ पुत्तर ऐते आ। मैं तो पहले ही कह सी नानू, बचपन की पैंट जवानी में फिट नहीं होती और हर नो बॉल पे फ्री हिट नहीं होती। हटाए, आइडिया ठीक सी, घर बेचने चला सी, मारा चपेट। नहीं नहीं जी, बट्टी तो पाजी बंदे डबल कर दे, आज लोड़ी है, कई मेहमानों के बीच वो सरदार भाग नहीं जाए। ओए छिंदे, गुरदासपुर से फौजे बुला लो। लगता
है ये मेरी आखिरी रात है। किथे जावा? सरदार जी कभी हंस भी लिया करो। जी मैं तो हमेशा ही हंसता रहता हूँ। वो घर छोड़ के आया हूँ ना, थोड़ा इमोशनल हो गया। अच्छा, जुदाई बर्दाश्त नहीं होती ना मुझसे। चल झुट्टा सच्ची। अच्छा मेरे को ना आपसे एक बात करनी थी। सब पता है मुझे, तेरे को क्या बात करनी है? तेरे को पता है कैसे? सब दिखता है, मुझे बेवकूफ समझ रखा है तूने। मुझे तभी पता चल गया था जब तूने कमर में चोट का ड्रामा किया था। क्या तो पहले नहीं बता सकती थी? कब से डरा डरा घूम रहा हूँ मैं। तू भी तो बता सकता था, ट्रेन में इशारा कर देता। अरे ट्रेन में कैसे बताता, मुझे तो घर में घुसने के बाद पता चला। बिल्लू पाजी को पता चल गया तो? उनको तो सब पता है। क्या उन्होंने जान से मार देना तेरे को? इसी बात का तो डर है। तू फिक्र ना कर, मैं बात करूंगी पाजी से, मान जाएंगे वो। जिंदा बचूंगा तो मनाएगी ना। आई मैं चलती हूँ। सुन तू हंसते रहा कर, हंसते भी बड़ा अच्छा लगता है तू। अपना ख्याल रखी। तू है ना मेरा ख्याल रखने को। एक तेरा प्यार मिलिया मैं दुनिया तोड़ की लेना वे तेरा प्यार। ओए तू ज्यादा समझदार है। हाँ तू भी सरदार मैं भी सरदार, बाकी सब बेकार। अच्छा प्यार हो गया है सरदार को, तेरे को पता है प्यार में सरदार कितना डेंजरस हो जाता है। ओए समझदार सरदार रहते आए थे यार, तुझे कैसे पता? पहले सरदार को प्यार होता है, फिर दिल टूटता है, और फिर सरदार पैग लगाता है। और तुझे पता है ना पैग लगाया हुआ सरदार कितना डेंजरस हो जाता है? मुझे पता है क्योंकि तू भी सरदार मैं भी सरदार, बाकी सब बेकार। बात तूने बिल्कुल सरदार वाली की है। तो तेरा लंबा उच्चा कद सरदार तेरा सरदार बन ही गया। फिर की क्या बोला? सरदार है सीधे थोड़ी ना बात करेगा। बुई का बेस्ट फ्रेंड है, दोनों की शादी फिक्स है। पैग लगाएगा? पहले पहली वाली तो उतरने दे शैतान। जी कैसी लग रही हो? बोल कैसी लग रही हो? कमाल की लग रही है। कमाल दी कौड़ी बोल। पता है मेरी मम्मी का लहंगा है ये, जब भी पहनती थी ना तो डैडी कहते थे कि कमाल दी कौड़ी लग रही है, तुझे सट्टे पे लगाओ तो दुनिया जीत जाओ। तेरे डैडी की फोटो। खानदानी दुश्मनी में मार दिया कंजरों ने मेरे बेटे को, इसकी मौत का बदला जब तक नहीं ले लेते संधू खानदान चैन से नहीं बैठेगा। बिन बाप के बच्चे कैसे पलते हैं पता है तेरे को? पता है बेबे। लोहड़ी मुबारक हो। पिएगा भाई, दुश्मन को दारू पिला रहा पाजी। ये दारू बड़ी कुत्ती चीज होती है, दोस्ती में पिलाओ तो यार देती है, दुश्मनी में पिलाओ तो मार देती है। अच्छा खला है सुनो, और मैं क्या टेंशन है, और ताजी और सामने आओ जी, मामी जी बुआ जी।
ओए होशियारपुर वाले अंकल जी कितने गए? हाँ जी पुत्र। ओए आ जाओ आप, इत्थे आओ। हाँ आया आया। बिल्लू जी। हाँ जी। देखो ना, आज सारा परिवार इकट्ठा हो गया है कि नहीं? ते आज बॉबी और सुख की शादी का फैसला कर दो है? हाँ बिल्लू यार, मौका अच्छा है, लोहड़ी का दिन है। हाँ। डेट फिक्स कर देते हैं। बोलो ना बिल्लू जी, ओ चुप क्यों हो? पम्मी जी, हाँ? एक जरूरी काम पूरा करना है, फिर उसके बाद इन दोनों की शादी के साथ हम दोनों भी शादी कर रहे हैं। अरे हाँ पम्मी आंटी, इस बारे में हम बाद में बात करते। हाँ और बाद करते। मैं फिरोजपुर से फगवाड़ा हो गई, पर मैंने तेरे को और सुख को बरनाले से बटिंडा नहीं होने देना। ना जी ना। ओए आप लोग ही बताओ, मैं कोई जदाद मंगी? मैं कोई सूट साड़ी मंगी? मैं कोई बंगला गाड़ी मंगी? लो तो फिर ये बंदा अपनी मुंह बोली बीवी के लिए इतना नहीं कर सकता। बोलो ना। ओए बिल्लू पुत्र, ओ पम्मी सही कह रही है, हामी पढ़ दे। बोलो जी बोलो। पम्मी जी रोते नहीं है, पम्मी जी रोते नहीं है। नहीं। आपको पता है कि आपकी आंखों में से टियर्स और खाली ग्लास से चेयर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कल सुबह इन दोनों की एंगेजमेंट कर देते हैं। क्यों भाई? ओए मुबारका, मुबारका। तू कुछ करना पम्मी। एक मिनट जी, एक मिनट। पम्मी आंटी एक मिनट, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ओए क्यों नहीं? आई एम सॉरी, पर सुख के साथ शादी के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। की कह रहे हो तू? मम्मी आंटी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओए अरे क्या बकवास कर रहा है तू? डैडी हाथ तो ठीक है तेरा। ओए जब शादी ही नहीं कर रही थी तो मेरी बहन के पीछे पीछे क्यों घूम रहा था? टोटे टोटे कर दूंगा तेरे। ओए टीटो, आबादी का घटना ते शादी की घटना बंदे की मर्जी से होती है, जबरदस्ती नहीं। आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए प्लीज। हाय हाय, जाइए जाइए। तू की किता? एक मिनट। ओए ओए भूती चंगी नहीं होते, बात चंगी करनी चाहिए, और बात चंगी ना कर सको तो मुंह बंद रखना चाहिए। क्यों बाजी? ओए तूने कभी किस्मत को देखा है? इसको देख, कमाल की कौड़ी है, जिसके पास हो सारा जग जीत ले, और तू इसको रुला रहा है? रोते नहीं किस्मत जी, आप मेरी किस्मत थोड़े ही ना जो रो रहे हो, इसकी हो किस्मत जी। कदी हंस भी लिया करो। ओए देख पाई बॉबी डेओल, तू सनी डेओल ते है नहीं कि पूरा पंजाब तेरे पीछे कुड़िया लेके घूमे हैं? ये मिली है इसकी कदर कर। ओए दो दिन में मैं जान गया हूं, लेकिन तू नहीं जान पाया कि पूरा पावर हाउस लेके घूमेगा ना? तब भी ऐसी नहीं मिलेगी। इसके लिए तो कोई बंदा अपनी जान दे दे। ओए दिल है दुखा मत, दर्द होता है। हाँ करते, चल हाँ करते। ओए बॉबी शादी के लिए हाँ कर दे, बाकी रब पे छोड़ दे। हाँ। ओए मुबारक हो जी, मुबारक हो। चलो जी, अच्छा देख रहा है तू? मेरे बाप समान चाचा ने इन्हीं हाथों में दम तोड़ा था, और मरते मरते एक ही बात बोली थी, दुश्मनी का बदला।
पाजी मेरे हाथ देख रहे हो, मेरी मां ने इनमें दम तोड़ा था और एक ही बात सिखाई थी कि कभी किसी से दुश्मनी ना रखना, वरना बदला तो मैं भी ले सकता हूं, बाप तो मेरा भी मरा था उस दिन, लेकिन मेरी मां ने ना आप लोगों को माफ कर दिया था। लेकिन मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। कल सुख की एंगेजमेंट घर में नहीं गुरुद्वारे में होगी। सब लोग घर के बाहर निकलेंगे, तुझे भी घर के बाहर निकलना पड़ेगा। फिर देखता हूं तुझे कौन बचाता है, जसविंदर सिंह रंधावा, तू तो क्या? ओए पाजी, अभी तो ठीक से आया भी नहीं हूं। आप लोगों ने नहीं जाना पाजी? जाएंगे, पर तुझे ऊपर पहुंचाने के बाद। ओए पाजी, सरदार पर जोक ना करना और जोकर मत समझना, क्योंकि सरदार के दस्तार पर हाथ उठाएगा ना तो सरदार उठा देगा। जी कदी हंस भी लिया करो। तुझसे एक बात करनी थी। यही ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मुझे भी नहीं करनी। मैं जानता हूं कि तू जस्सी से प्यार करती है। पर बॉबी, जब तुझे पता था कि मैं जस्सी से प्यार करती हूं तो शादी के लिए हाँ क्यों की तूने? जस्सी की जान बचाने के लिए। हाँ, जस्सी वही बंदा है जिसे संधू खानदान 25 साल से ढूंढ रहा है। क्या? तेरे डैडी की मौत का बदला लेने के लिए। मैंने उसके बैग में उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स देखे हैं जो हरजीत सिंह रंधावा के नाम है। जस्सी का नाम जसविंदर सिंह रंधावा है। चला तो कैसे मरने देती उसको? तेरी और बॉबी की शादी का ड्रामा तो इसलिए किया था कि वो मेहमानों की भीड़ में बच के निकल जाए, लेकिन वो सरदार का पुत्र तेरे प्यार में पागल पीछे पीछे चला है। उसकी जान को खतरा है, मार डालेंगे उसे। ओए तू फिकर मत कर, वो 6-7 लाख के बराबर है। इससे पहले कि वो चला जाए तू जा, जल्दी कर। बिल्लू जी को मैं संभाल लूंगी। और आपकी शादी? तू मेरी छोड़, तू जल्दी जा। बॉबी तू कुछ कहता क्यों नहीं? देख सुख, जे तेरा सरदर्द चला गया ना तो तूने मेरे सर में जरूर दर्द कर देना। तू जा। कुत्ते कभी नहीं बॉबी, और तो बेस्ट नहीं बोलेगा। ऑल द बेस्ट।
यहाँ क्या कर रही है? तेरी तो एंगेजमेंट है आज। एंगेजमेंट उससे करते हैं जिससे शादी करते हैं। तो तू बॉबी से शादी नहीं कर रही? शादी उससे करते हैं जिससे प्यार करते हैं। तो तू बॉबी से प्यार नहीं करती? बॉबी से प्यार करती तो तेरे साथ यहाँ होती। तो तू प्यार किससे करती है? तेरे प्यो नाल। अरे मजाक मत कर यार। शुरुआत किसने की? लड़की अपनी एंगेजमेंट छोड़ के आई है लड़के के पास और वो पूछता है तू प्यार किससे करती है। तो तू मुझसे एक मिनट इम्पोर्टेंट बात हो रही है। जी पाजी। तूने बताया क्यों नहीं? बताया तो था जब तूने कहा था कि पाजी को पता है। अरे मैंने ये कहा था कि बोला ना। बैठ जाओ, बैठ जाओ, दो मिनट बैठ जाओ। बैठो बैठो। अरे मैंने तो ये कहा था कि पाजी को पता है कि मैं वो बंदा हूँ जिसको वो 25 साल से ढूंढ रहे हैं। तू मुझसे प्यार नहीं करता? मैं देख मैं भाग के आई हूँ, तो सीधे सीधे बता दे तेरा क्या स्टेटस है मेरे को लेके, वरना मैं जाऊँ वापस। मेरे पियो ने तेरे पियो को मारा, ये जानते हुए भी तू मुझसे प्यार करती है? हाँ तो तेरे पियो ने मारा है, तूने थोड़ी ना मारा है, इसलिए मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तेरे पियो नाल नहीं। जे मैं कहूं कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता थे। जान से मार देना तेरे को। और जे मैं कहूं कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं थे। ते मेरे भाइयों ने मार देना तेरे को। तेरे खानदान में मारने का रवाज है क्या? तो क्या कह रहा था तू? तेरे से तो तभी प्यार हो गया था जब पहली बार देखा था तुझे। बड़ी भारी चीज लगी थी तू। फिर सोचा पता नहीं हाथ आएगी कि नहीं आएगी। आज जब बात आई है तू वाकई बहुत भारी है। चल झूठा। सुन इससे पहले पाजी आ जाए चल भाग चलते। भागता तो मैं पहले भी नहीं, पर रुकने की कोई वजह नहीं थी, अब है। तू जानता है तू क्या कर रहा है? भाग गया तो दुश्मनी खत्म नहीं होगी, मतलब दुश्मनी खत्म करने से चाहे जान देकर ही क्यों ना हो, और फिर तू साथ है तो रब साथ है। बिल्लू जी एक मिनट रुक जाओ। बिल्लू जी मेरी गाल तो सुनो। बिल्लू जी ना जाओ। बिल्लू जी रुक जाओ। जी, रब वास्ता। जी। जिस बंदे का तूने 25 साल इंतजार किया उसे बचाना चाहती है तू? जिस बंदे की वजह से 25 साल तू शादी के लिए तरसती रही उसे बचाना चाहती है तू? बिल्लू जी माना कि मिलन के बिना लव स्टोरी पूरी नहीं होती, पर जो पूरी नहीं होती क्या वो लव स्टोरी नहीं होती? आपके प्यार का 25 साल तक इंतजार किया मैंने, पर अगर वो प्यार किसी अपने के प्यार को मारकर मिलता है तो नहीं चाहिए मैनू। मैं सारी जिंदगी ऐसी आधी सुहागन बन के काट लूंगी, पर सुख के प्यार को मारकर पूरी सुहागन नहीं बनना मैंने। सुख जसी से प्यार करती है। पम्मी! जी खदी हंस भी लिया। ओए पाजी, इतने प्यार से मेहमान बनाकर लाए थे, ये उसका पूरा हो गया। पाजी, इन हाथों से आपने खाना खिलाया है, ये उसका बिल पूरा हो गया।
आप सबने बहुत प्यार दिया, ये उसका बैलेंस ले ले, अब दुश्मनी खत्म। ये दुश्मनी तेरी मौत से ही खत्म होगी। पाजी इतनी गहरी दुश्मनी है तो थोड़ा ढंग से खत्म करते हैं। रुक जाओ। जो भीड़ में शिकार करे वो शेर नहीं ठग होता है, और अगर दुश्मन तगड़ा हो तो उसे मारने का मजा ही अलग होता है। टन बाय टन क्यों मार रहे हैं? वो हम संस्कार वाले लोग हैं। अच्छा, दुश्मन को भी मौका देते हैं।
इंसान को घर के अंदर नहीं मारते पाजी। पाजी बड़ी मुश्किल से इसे घर से बाहर लेके गए थे, आप फिर अंदर ले आए। तो फिर बाहर चलें पाजी। जसी पुत्र आ गया तू, कहां चला गया था? हम गुरुद्वारे में तेरा इंतजार कर रहे थे। बिल्लू ये तेरे को क्या हुआ? तुम दोनों भीगे हुए क्यों हो? गौर से देख बेबे, यही है रंधावा का पुत्र जिसका इंतजार हम 25 साल से कर रहे थे। ये साडा दुश्मन है, दुश्मन। दुश्मन? केड़ा दुश्मन? हमारी तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं। किस दुश्मनी की बात कर रहे तू बेटे? बोल, हमारी किसी से कौन सी दुश्मनी है? तू बड़ी ड्रामेबाज है बेबे, तू अच्छी तरह जानती है कि ये उस रंधावे का पुत्र है जिसने तेरे पुत्र को मारा था। आज मोंटो की मोटरसाइकिल से भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, याद है ना तुझे? जानबूझकर ड्रामा कर रही है ना तू बेबे? बोल पुत्र, जिन बातों को याद करके तकलीफ पहुंचे उन्हें भूल जाना ही अच्छा है। तू भी भूल जा, माफ कर दे इसको, सुख के लिए ही सही, माफ कर दे। हां बिल्लू जी, दुश्मन की याद में आपने 25 साल गुजार दिए, अपने तरसते रहे प्यार को आपने दो पल भी ना उधार दिए। सत्य नाम श्री वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु। सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने किया है, जिथे माफी है उथे प्यार है, जिथे प्यार है बिसर गए सब तात पराए, बिसर गए सब तात पराए। जब ते साध संगत मोह पाए, जब ते साध संगत मोह पाए, सब तात पराई। एक शर्त पर माफ करूंगा तुझे, जे तू इस घर का परमानेंट मेहमान बन जाए। ओ पाजी, बाहर निकलूंगा तो मारोगे तो नहीं? सुख को छोड़ के जाएगा तो जान से मार दूंगा। सरदार कदे हंस भी लिया कर। हाय बिल्लू जी। हाँ जी। इसी खुशी में मैंने अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए। एक का नाम हैप्पी, एक का नाम एंडिंग। मम्मी जी, आपका मतलब है हैप्पी एंडिंग?